हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता और आज हम हैं डॉक्टर तृप्ति चौहान मैम के घर में। ये है इनके कुछ स्किल्स जो महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर हैं और साथ ही इनका हॉबी गार्डनिंग। तो ये इनका एंट्रेंस और जिसको देख के आप सच में समझ रहे होंगे कि ये एक आर्टिस्टिक गार्डनर है। कितने सुंदर से इन्होंने अपना एंट्रेंस को डेकोरेट किया हुआ है। ये एग्लोनेमा, पिंक एग्लोनेमा, और ये पत्ती क्या कहे इसे कुदरत क्या, वाइट, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्राउन, सारे शेड्स अवेलेबल है। बस आप देखते जाएं कौन से प्लांट और कौन से प्लांट्स को आप छोड़ें। प्लांटर, प्लांट्स को रखने का पोजीशन कितनी सुंदरता से रखा हुआ है और सारे प्लांट्स इतने फ्रेश हैं। ये पिंक एग्लोनेमा एंट्रेंस में ही इतना सुंदर, ये जिसको हम क्रोटन्स बोलते हैं, ये कुछ उनकी तस्वीरें। ये पानी की बूंदें जो प्लांट को एकदम तरोताजा कर रही हैं। स्नेक प्लांट थोड़े अलग वैरायटी का, जिसमें और येलो बॉर्डर्स है। सारे प्लांट्स कॉमन हैं पर इनको सजाने से ये बहुत अनोखे अंदाज में अपने पोजीशन को जस्टिफाई करते हुए हर एक कोना मानो घर का सजा हुआ है ग्रीनरी से। पानी की बूंदे, इनकी हॉबी है फोटोग्राफी, और जिसकी झलक आप देख रहे हैं। इन्होंने कोई भी कोना अपने घर का नहीं छोड़ा हुआ है। ये सीढ़ियां हैं जिसमें इन्होंने अल्टरनेट में वंडरिंग ज्यू और ट्रायंगल हार्ट लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदरता से ये सीढ़ियां, और उसके पीछे मनी प्लांट्स, ये मनी प्लांट्स मॉस्टिक्स के साथ हर एक प्लांट के, देखिए ये वेलवेट लीफी अपीयरेंस, हर एक प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो किया गया है और ध्यान रखा गया है ताकि इनके ग्रोथ में कोई भी खामी ना रहे। और हर एक मनी प्लांट को मॉस स्टिक का सहारा दिया गया है ताकि और अच्छे से वो ग्रो करे। ये छोटी सी सजावट नेस्ट में बच्चे चिड़िए के, बहुत ही सुंदर। ये है इनका एंट्रेंस का व्यू और बहुत सुंदर। कितने सुंदर से सीढ़ियाँ, ये एक आप सबके पास आइडिया डेवलप हो सकता है कि आप भी अपने घर में रेलिंग्स पे इस तरह से लगाएं। ऊपर से सामने का व्यू इस तरह से दिखेगा और ये नीचे में घर का हर एक कोना सजाने संवारने में लगी हुई है मैडम जी। और ये कुछ कैक्टस, हार्ट शेप के प्लांटर्स, ये पिस्टियाँ और बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है। स्पाइडर प्लांट और ये कुछ आउल्स, एरिका पाम, और ये है सामने के एंट्रेंस में ग्रीनरी जो आंखों को और मन को शांति प्रदान करती है। घंटों आप इनकी सुंदरता को देखते देखते थक नहीं सकते।
पानी की बूंदें और मैडम की जबरदस्त फोटोग्राफी। बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। ये ओवरव्यू सामने के पौधों का। और अब हम धीरे धीरे चलते हैं उस ओवरव्यू के अंदर, जहाँ स्टार्ट होता है वंडरिंग जीव से। नीचे में कुछ टर्टल्स के प्लांटर्स हैं, जिसमें पिस्टिया अपने पैर पसार रहा है। एरिका पाम लाइन से, जो एक खुद इतना ग्रीनरी है और लाइन से अच्छे से ग्रो होने के कारण इतना सुंदर अपीयरेंस दे रहा है। जस्ट देखिए कितना सुंदर लाइफ, और ऊपर से कुछ धूप की किरणें और इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर ये कामिनी फूल का झाड़ है। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम अपने गार्डन को कैसे सुझाए, कितने अच्छे से सजाते हुए रखें। ये प्लांटर्स, हैंगिंग, वंजरिंग जीव सबके घर हैं, पर इस तरह से सुंदरता से सजाया हुआ, शायद ये आर्टिस्टिक दिमाग ही कर सकता है। और हर एक पौधा एकदम फ्रेश। मैडम खुद ही इन्हीं सारे प्लांट्स की केयर करती हैं। पानी डालना, खाद डालना सब वो खुद ही करती हैं। और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हर एक कोना कितने सुंदरता से, और सब प्लांट्स इतने साफ सुथरे, एक प्लांटर्स भी इतने साफ सुथरे। मनी प्लांट्स जो कि ग्रिल में पूरा अपने पैर पसार रहे हैं। ये कितने सुंदरता से कप्स, स्नेल, स्नेल, हर एक वैरायटी के प्लांटर्स। और हर एक प्लांटर्स में प्लांट की चॉइस देखिए कितना सुंदर। वाइट प्लांटर में एग्लोनिमा, डार्क कलर, स्वैन में स्पाइडर प्लांट्स, आउल्स में भी, और सामने दो कप में स्नेक प्लांट। जस्ट ऑसम। वंडरिंग जू प्लांटर्स, हर एक प्लांटर्स शायद कुछ कहानी बयां कर रहा हो। कितने सुंदर से एक फुल नेचुरल गार्डन, नेचुरल लैंडस्केप तैयार हो रहा है। ये सेंटर है, और सेंटर के राइट लेफ्ट अगर आप देखें वो भी उन्हीं का क्रिएशन। ये बिल्कुल सेंटर में और ये लेफ्ट में, और एक सेम तरह का सेटअप राइट में। जस्ट देखिए और घर में रिक्रिएट करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत सुंदर। और ऊपर में इस तरह के कुछ विंड चाइम्स, बारिश का मौसम हो और ये विंड चाइम्स हल्के हवा से आवाज़ कर रही हो और आप यहाँ बैठे हो,
तो इससे शायद रिलैक्सिंग कुछ ना हो। गौतम बुद्ध एक स्टैचू के रूप में नीचे, और यहाँ पे दूसरे साइड में है राधा कृष्ण जी। अब थोड़ा एक एक को देखें, स्टोन्स और लकड़ी और कुछ क्रिएटिव प्लांट्स, और इतना सुंदर सा लैंडस्केप तैयार है। बिल्कुल आप इनसे इंस्पायर हुई है और अपने घर में इस तरह से कुछ क्रिएटिव करें। सीढ़ियाँ कितने सुंदरता से बनी हुई हैं, और पीछे में बैकग्राउंड में कुछ स्नेक प्लांट्स, सामने कुछ क्रोटन्स, और कहीं कहीं सीपियाँ। बहुत बहुत बढ़िया है। ये फ्रंट व्यू जहाँ से ये दोनों हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर से विंड चाइम हैं, और नीचे में ये फिर से ग्रीनरी में हम खो गए, और हमारे पास लाइन से ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन। हर एक प्लांट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, कोई एक्सेसिव फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता है, एनपीके 1919 दिया जाता है, वर्मी कंपोस्ट पे फोकस करते हैं, और बीच बीच में फंगिसाइड्स का स्प्रे होता है, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, और प्लांट्स की रौनक देखिए। एरेलिया और पाम्स और क्रोटन्स, मधुमालती, और ये कुछ हैंगिंग। कुदरत ने इतने अलग अलग वैरायटीज के लीव्स दिए हैं। हम हरे पत्तियों की बात करते हैं, कहीं कहीं वायलेट पत्तियां भी आज अपनी रंगत दिखा रही हैं। ये कुछ मीठा नीम, पोर्तुलुका, वाटर लिली, रेन लिली, पर्सलिन, सब पौधे बोल रहे हैं शायद मुझे देखो और मुझे देखो। ये एक अलग सा कॉर्नर जहाँ पे हैंगिंग्स लटक रहे हैं, नाग चंपा, मंडेविला, कलर देखिए इस फूल के, कितना बढ़िया कलर का फूल है। अपराजिता, और ये कुछ पोर्तुलुकास, पर्सलेन, इतने प्यारे प्यारे कलर्स। जो समर के बहुत अच्छे ऑप्शंस में हैं, और इन गार्डन में हम फिर से आएंगे ठंडियों में, जब ये भरा होगा पीटोनिया से, मैरीगोल्ड्स और बहुत वैरायटीज। पौधे और पौधों को सजाना कितने सुंदरता से, पूरे लेयर बाय लेयर, ये थ्री लेयर है, ऊपर में स्पाइडर प्लांट और नीचे में इस तरह से क्लैडियम्स, स्नेक प्लांट्स, जैसे पूरा एक लैंडस्केप बन रहा हो पहाड़ जैसा, और पहाड़ से नीचे आते हुए प्लांट्स। बहुत सुंदर ये कुछ एडेनियम्स,
यस स्नेक प्लांट, कहीं पे गमले हैं, कहीं पे ग्रो बैग्स हैं। और ये अरेलिया बहुत सुंदरता से, शायद प्लांट्स के प्रति इतना प्यार, इस तरह से सजाने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत है इन सब में। कौन सा कहाँ रखेंगे प्लांटर, कौन सा सुंदर दिखेगा, मैडम बहुत ज्यादा मेहनत करती है इस पे। रजनीगंधा, रोजेस, इतने सुंदर से सुंदरता और सुंदरता। हिबिस्कस सबके घर में होता है और सब फ्लावर्स का कलेक्शंस देख के ही हिबिस्कस रखते हैं। ये देखिए कितने सारे हिबिस्कस हैं और सारे प्लांट्स बिल्कुल फ्रेश, जैसे हमसे बात कर रहे हो। पोर्टो लुकास, रेन लिलीज स्टेयर्स में, ग्रो बैग्स में, छोटे छोटे ग्रो बैग्स में भी इतने सुंदर से। और ये मैडम के कुछ क्लिक्स जो दी बेस्ट फोटोग्राफीज हैं। स्टे ट्यून रहिएगा आगे भी इसी चैनल पे, ताकि हम और किसी दिन किसी और के घर की गार्डन्स को देख सकें। और ये फूल इतना सुंदर, इतना सुंदर, सुंदर शब्द को छोड़ के और कोई वर्ड शब्द ही नहीं आए। धन्यवाद।